गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस क्लास 12th एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स। हियर नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैट्रिसेस? व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिस मींस होता क्या है? अ मैट्रिस इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ओके, मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है? अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्लियर? अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मींस कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कुछ भी लेटर्स लिखेंगे लेकिन आपको क्या लिखना है? कैपिटल में ही लिखना है। अब डिफिनीशन क्या है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्लियर? जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे, जो मैट्रिक्स के अंदर टर्म्स लिखे होंगे, नंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्लियर? मान लीजिए यहां पर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है आपको, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 6। ए इक्वल टू क्या है? 2, 3, 5 एंड 6, ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें जो है क्या डिफिनेशन है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्लियर? रेक्टेंगुलर अरे। अब इसमें रेक्टेंगुलर अरे का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, पहले आप इसको जान लीजिए। तो इसमें जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं, जो भी नंबर्स और फंक्शंस हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो जो भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या कहलाएगा आपका? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट होगा हॉरिजॉन्टल में जो लिखे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइन पे लिखे होते हैं एलिमेंट्स, उसे क्या बोलते हैं? कॉलम। हियर वी सी दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं कौन बताएगा? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, हियर हॉरिजॉन्टल लाइन दिस इज एंड दिस इज वर्टिकल। क्लियर? तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, row 1, row 2 एंड कॉलम्स वर्टिकल। तो कॉलम में क्या आ जाएगा? C1 एंड C2। क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं उसे रो बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन पे होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1, 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 है। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है। क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा रो, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसको क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2। क्लियर? अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ रो को लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम। ये नहीं कि पहले कॉलम लिखे फिर रो को लिखे, वो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले रो फिर क्रॉस कॉलम। तो यहां पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल, सो 2 क्रॉस 2। क्लियर? अब ये तो ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स।
जो भी मैट्रिक्स आपको दिया है उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे करेंगे, जो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। क्लियर, क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी है उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 2×2 इक्वल टू कितना होगा 4। यहां पर रेक्टेंगुलर जो अरे है उसमें कितने एलिमेंट्स लिखे हुए, 4 ही तो लिखे हैं। यही आपके क्या कहा जाएंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्लियर, क्या समझ में, मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ गिवन गिवन मैट्रिक्स। क्लियर, अब मान लीजिए यहां पे A इक्वल टू दिया हुआ है 1, 3, 5, 2, 1, 6 कुछ भी ले लीजिए एलिमेंट्स, ये आपको एग्जांपल है। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 3। क्लियर, अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, दैट इज 2×3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी 2×3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंट्री 2×3 कितना होगा 2×3 = 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 6 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2×3। क्लियर, ये तो आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद जो भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको आप कैसे मतलब समझेंगे कि ये मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है। क्लियर, देखिए यहां पे जैसे A इक्वल टू क्या दिया हुआ 1, 3, 5, 2, 1 एंड 6। क्लियर, अब ये जो 1 लिखा हुआ है इसको देखिए ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट होगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है और फर्स्ट कॉलम पे लिखा हुआ। क्लियर, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मींस रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, दैट मींस A11। क्या होगा A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A11 इक्वल टू कितना हो गया 1। फिर 3 कहां पे है, फर्स्ट रो पे ही है बट कॉलम कौन सा है, सेकेंड है, रो फर्स्ट है बट कॉलम आपका क्या है सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली 5 कहां पे है, फर्स्ट रो पे ही है बट कॉलम क्या है थर्ड है, तो इसको लिख देंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 मींस कितना है 5। क्लियर, सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, सेकेंड रो में आ जाएंगे कॉलम आपका फर्स्ट है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मींस पहले आपको रो ही एक लिखना है देन कॉलम लिखना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम तो ये आ जाएगा A22 इक्वल टू 1 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। क्लियर, तो ये आपको जो भी रेक्टेंगुलर अरे के अंदर आपको नंबर्स और फंक्शंस लिखे होंगे उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट क्या है। आपसे प्रॉपर पूछ सकता है कि आप A23 का एलिमेंट बताइए क्या लिखा हुआ मैट्रिक्स के अंदर, A23 एलिमेंट्स क्या है, तो आपको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। A23 मींस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23 मींस क्या होगा सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम देख लेना 6 है। क्लियर, तो ये तो आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में लगभग आइडिया हो गई होगी सभी स्टूडेंट्स को। देन इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए इसके बाद आप हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
अब इसमें मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स अपन देखते हैं रो मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या है? रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज वन रो। रो मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। क्लियर? जिसमें केवल एक ही रो होती है वो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट डिपेंडेंट। क्लियर? टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं। इसमें मेन क्या आपने चेक करना है? रोज। तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे? केवल और केवल एक ही रो होगी, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। क्लियर जी? ब्रीफ आप लोग डिफिनेशन आप लोग बुक से देख सकते हैं, बाकी आप लोगों को एग्जांपल लेकर के रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी देंगे। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इफ इट हैज ओनली वन रो। लाइक एज, जैसे मान लीजिए यहां पे एग्जांपल क्या है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू है 1 5 3 6। इसमें कितनी रो है? ओनली वन रो। क्लियर? ओनली वन रो, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। क्लियर? देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 1 क्रॉस 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? 1 क्रॉस 4। नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 4। दिस इज रो मैट्रिक्स, एग्जाम्पल ऑफ द रो मैट्रिक्स। क्लियर? फिर सेकेंड वन आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स इससे क्या है आप लोगों को समझ में आता है? जिसमें केवल और केवल एक कॉलम। क्लियर? जैसे रो मैट्रिक्स की डिफिनेशन लिखे हैं, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। क्लियर? जिसमें केवल और केवल एक कॉलम होता है उसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। लाइक है यहां पर एग्जाम्पल क्या लेते हैं? बी इक्वल टू 1 - 2 3। क्लियर? यहां कितने कॉलम है? ओनली वन कॉलम। एंड नंबर ऑफ रोज 1 2 3। रोज कितने हैं? 1 2 3 रो हैं, R1 R2 एंड R3। क्लियर? ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी कौन बताएगा? एनी स्टूडेंट्स टेल मी अबाउट ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यस, 1 क्रॉस 3। नो, 1 क्रॉस 3 रॉन्ग है। आपको क्या बताए थे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको रो देखना है। रो कितने हैं? नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1। देन द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 1। क्लियर? ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 1। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या बताएंगे? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली एंड वन कॉलम्स। क्लियर? देन थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। क्लियर? स्क्वायर मींस क्या होता है? आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे स्क्वायर शेप। दिस इज शेप में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से आप स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे समझ सकते हैं? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? मैट्रिक्स तो होगा, रेक्टेंगुलर अरे भी होगा, उसके अंदर नंबर भी लिखे होंगे, एंट्रीज होंगी, बट वो कैसा होना चाहिए? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। लाइक एज सी इक्वल टू 2 - 6 5 एंड 4। क्लियर? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। देखिए यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं?
R1 एंड R2 कितने हो गए 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स C1 एंड C2 रोज भी 2 है कॉलम्स भी 2 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 2 दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं क्लियर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई फिर इसके बाद अपन देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स फोर्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स क्लियर तो स्केलर मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी स्केलर मैट्रिक्स के पहले क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए यदि कोई भी मैट्रिक्स स्केलर है तो उसके पहले आपको क्या देखना है कि गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए क्लियर मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर आल्सो जीरो क्लियर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है जैसे मान लीजिए यहां पे कोई मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अभी क्या बताएं स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है उस स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या बताए हैं सबसे पहले आपको देखना है कि गिवन मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ठीक और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो बट जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे मींस सेम होनी चाहिए दैट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स कैसे जैसे मान लीजिए यहां पे आपका डायगोनल क्या होगा ये होगा डायगोनल क्लियर तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे तो यहां पे यदि मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं 5 एलिमेंट्स क्या ले रहे हैं यहां पे 5 ले रहे हैं तो यहां पे भी क्या आना चाहिए 5 ही आना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो दिस इज द एग्जांपल क्लियर चलिए इसके बाद अपन देखते हैं क्या डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर आप किसके किसके बारे में जान गए हैं रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स क्लियर नेक्स्ट टाइप्स में क्या आता है डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो क्लियर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो मींस जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है अब डायगोनल एलिमेंट आपका ये भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है क्लियर तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो प्रेजेंट होंगे बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मींस जिसमें डायगोनल नहीं है तो आप ये यदि मान लीजिए अब इसमें ऑर्डर भी डिपेंड करेगा कि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का है या 4 क्रॉस 4 का है क्लियर अब मान लीजिए यहां पे एग्जांपल अपन लेते हैं क्या 3 क्रॉस 3 का क्लियर तो 3 क्रॉस 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 9 होंगे क्लियर तो 3 तो अपन डायगोनल भी लिख सकते हैं अब डॉट भी हो सकते हैं यानी वो सभी एलिमेंट्स उसके क्या हो सेम हो क्लियर तो सबसे पहले तो आप नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या कर लेंगे जीरो कर लीजिए क्लियर नॉन डायगोनल एलिमेंट में जीरो कर लीजिए ये जीरो हो गए अब बचा क्या डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे 3 लिख दीजिए 2 लिख दीजिए 5 लिख दीजिए एनीवे आप कुछ भी लिख सकते हैं बट डायगोनल पे ही लिखेंगे तो आपकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो क्लियर अब इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अपन डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए मींस या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो
क्लियर, बट डायगोनल्स विद वन, मतलब जैसे यहां पे डायगोनल एलिमेंट क्या है 3, 2, 5 डिफरेंट डिफरेंट है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, वन होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे एंड रेस्ट ऑल जीरो, जो ऑल अदर एलिमेंट्स होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, बट डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वन होंगे। तो यहां से अपन एग्जांपल लिख सकते हैं b=1, 0, 0, 1, देखिए ये 1, 1 क्या है आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट में क्या हो गया 1, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सो द गिवन मैट्रिक्स इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। इसमें ऑर्डर भी आपको पूछता है कि 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मान लीजिए नेक्स्ट अपन बाद में देखेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके साथ में आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम इसको अपने से भी इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 2×2 है तो अपन 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, यदि 3×3 की है तो 3×3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, क्लियर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, इसको हम ये भी लिख सकते हैं b=2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2×2, क्लियर, ये 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। यदि 3×3 का लेना है तो यहां पे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, क्लियर, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी होंगे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप में क्या था, जीरो मैट्रिक्स, क्या था है, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स इसका नाम ही है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर जीरो, क्लियर। अब इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो, मीन्स 2×2 की हो, 3×3 की हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया क्या है, केवल जीरो दिया, ये भी जीरो मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स किसकी होगी, 1×1, बिकॉज नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 1, सो गिवन मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ 1×1। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, तो b=0, 0, 0, 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन जीरो मैट्रिक्स कितने की होगी, 2×2 की, 2×2 की जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, इसको अपन लिख सकते हैं 1×1, क्लियर। और भी यदि कोई एग्जांपल लेना है, जैसे c=2 हो गया 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2×3, लेकिन होगी जीरो मैट्रिक्स ही, जीरो मैट्रिक्स होगी बट उसका ऑर्डर क्या होगा, 2×3 हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो हो गई अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टोटल कितने टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़े हैं अपन, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स, क्लियर। तो इन सभी मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई, क्लियर। फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या था है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स तो होगी नहीं, बिकॉज यहां पे क्या लिखा हुआ, मैट्रिसेस, यदि एक मैट्रिक्स होगा तो इसमें मैट्रिसेस लगेगा ही नहीं, क्लियर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मींस जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगी तभी हम उसको इक्वालिटी और अनइक्वालिटी बता सकते हैं, क्लियर। तो इक्वालिटी यदि कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या कि अनइक्वल है, क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चेक करना पड़ेगा कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में क्या है, दे हैव सेम ऑर्डर, ये हो गया। फिर सेकेंड वन इज
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें क्या लिख सकते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करस्पोंडिंग, इज इक्वल टू करस्पोंडिंग एलिमेंट्स, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर मैट्रिक्स, अदर मैट्रिक्स मीन्स ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना है, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर मैट्रिक्स, क्लियर, मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द करस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ अदर मैट्रिक्स, क्लियर, मीन्स जैसे मान लीजिए यहां पे ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है क्या 3, 2, 5 and 6, क्लियर, एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, 2, 5 and 6, क्लियर। अब इसमें अपने को चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्राइसेस, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 3, 2, 5, 6, हियर टू नंबर ऑफ रोज एंड टू नंबर ऑफ कॉलम, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और 2x2, एंड बी मैट्रिक्स क्या है 3, 2, 5, 6, हियर आल्सो 2x2 मैट्रिक्स, मींस फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, दे हैव सेम ऑर्डर, ये दोनों मैट्रिक्स जो दी हुई है अपने पास वो क्या है, इनका ऑर्डर सेम है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट जो होगा, A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A11 एलिमेंट जो होगा वो B मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट्स के इक्वल होगा, क्लियर, तो हियर A11 कितना हो गया 3, A12 2, A21 5 एंड A22 6, क्लियर, ये A मैट्रिक्स का हो गया। सिमिलरली B मैट्रिक्स का A11 क्या है 3 है, A12 2 है, A21 5 है एंड A22 कितना है 6 है, क्लियर, तो इस एलिमेंट का इस मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट 3 B मैट्रिक्स के एलिमेंट के क्या है इक्वल है, फिर A12 भी इक्वल है, A21 भी इक्वल है एंड A22 भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि A एंड B मैट्राइसेस आर इक्वल टू ईच अदर, क्लियर, A एंड B मैट्राइसेस आर इक्वल टू ईच अदर। अब ये तो हम चेक करने के लिए कर दिए ऐसे, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ A एंड B मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्लियर, उसको कैसे फाइंड करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखेंगे, मान लीजिए यहां पे ए मैट्रिक्स अपना दिया हुआ है क्या x2y and z, क्या दिया है x2y and z, बी मैट्रिक्स क्या दिया है 1, 2, 3 and 5, ए एंड बी मैट्रिक्स गिवन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि A एंड B आर इक्वल टू ईच अदर, मींस A और B मैट्रिक्स जो है वो क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जब इक्वल होंगे तो उसके करस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, तो करस्पोंडिंग एलिमेंट मींस A11 फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होना चाहिए, तो x किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सिमिलरली यहां पे 2 है ये भी 2 है, फिर A21 की वैल्यू क्या है y, तो y और इसका करस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एंड सिमिलरली z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो जो भी अपने को अननोन वैल्यू गिवन होंगी उसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, क्लियर, तो ये लगभग मैट्रिक्स क्या होता है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे एग्जाम्पल लेकर उसको हम बता सकते हैं,
ठीक। फिर इसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हाउ वी कैन चेक गिवन मैट्राइसेस आर इक्वल और नॉट, उसके एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।